इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार के कंपनियों में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों चार्ट देख करके आप बता सकते हैं कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चार्ट देख करके काफी आसान है इस कंपनी को फाइंड आउट करना कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए ये DHFL है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक कंपनी का जो शेयर प्राइस था लगातार ग्रो हो रहा था 2017 तक, 2018 में ये स्टॉक क्रैश होना शुरू हुआ। तो देखिए इसका चार्ट जो है डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड वाले चार्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये स्टॉक मात्र 16 रुपये में मिल रहा है तो हर लोग इसे बाय करना चाहेंगे, तो यही रिटेल इन्वेस्टर की गलती है और इस गलती को शुरू में मैंने भी किया था। इस गलती को अवॉइड कीजिए फिर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये चार्ट, यहाँ पर पहले भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, जब ये डाउन ट्रेंड में है तो उस समय इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे ये अप ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप 10th क्लास 8th क्लास में ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ को देखना है। ये देखिए ऊपर की ओर ग्राफ है तो यहां पे इन्वेस्ट करना है और जब तक चाहे आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे चार्ट नीचे आने लगा आप वहां पर अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए PC ज्वेलर्स, यहां तक चार्ट तो काफी अच्छा था, ऊपर जा रहा था, यहां से चार्ट देखिए 2018 से गिरना चालू हो गया, तो यहां पर हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है डाउन ट्रेंड वाले चार्ट में। और बाकी बात तो आप कैसे पता कर सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी कंपनी का नाम लिखिए गूगल में और उसके आगे फ्रॉड लगा दीजिए, उसमें कोई भी स्कैम होगा फ्रॉड होगा वो पता चल जाएगा। और ये जब तक कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो इस तरह से शेयर का प्राइस क्रैश नहीं होता है। तो जैसे समझिए चार्ट इस तरह से क्रैश हो रहा है या कोई भी फ्रॉड का केसेस है कंपनी के ऊपर हाल फिलहाल में, तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए उसी तरह से अगला फ्यूचर रिटेल है, देखिए चार्ट इस तरह से डाउन ट्रेंड है, इसमें तो कोई भी स्कैम नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा हो गया जिसके कारण कंपनी फाइनेंशियली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो आप अगर फाइनेंस को नहीं जानते हैं तो सिंपल 10th क्लास के मैथ को देखिए, चार्ट नीचे की ओर है, निश्चित कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत है, या तो फ्रॉड होगा या तो कंपनी पूरी तरह से कर्ज में दबी हुई होगी। उसी तरह फिर आर्क पावर देखिए, रिलायंस पावर, इसी तरह से अनिल अंबानी के रिलायंस पावर का हाल हुआ है, लगातार कंपनी का चार्ट नीचे की ओर है, तो इस तरह के चार्ट में हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस शेयर को अवॉइड कीजिए, इस तरह के शेयर को कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ये मत सोचिए कि ये 13 रुपये का शेयर है, ये तो पहले शेयर प्राइस हुआ करता था 300 रुपये का, फिर से हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर बेकरांगी का चार्ट लगातार अप ट्रेंड में था और यहाँ पर 2017 में अपने हाई पर 500 पे चला गया और फिर वहां से 2018 के शुरू से स्टॉक देखिए नीचे गिरना शुरू हुआ, काफी तेजी से गिरा और इस स्टॉक में मैंने भी फंसा था, लेकिन मैं तुरंत बेच करके फिर निकल गया, इसलिए काफी कम लॉस हुआ। इस तरह के चार्ट में आपको कभी भी नहीं फंसना है, हमेशा अवॉइड करना है। तो चार्ट देखिए, आप चार्ट गूगल में भी देख सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम लिखिए उसके आगे शेयर लगा दीजिए, गूगल में सर्च कीजिए उसका चार्ट आ जाएगा। चार्ट इस तरह से डाउन ट्रेंड में हो तो उस शेयर प्राइस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए उसी तरह फिर यस बैंक का भी देखिए शेयर अभी तक अप ट्रेंड में आया है, बिल्कुल नहीं आया, तो यस बैंक को इसलिए अभी अवॉइड करना है यस बैंक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आता है कंपनी में वापस और कंपनी परफॉर्म नहीं करने लगती है, तब तक चार्ट भी इसका अप ट्रेंड में आपको नहीं दिखेगा। चार्ट अप ट्रेंड में दिख रहा है मतलब निश्चित रूप से कंपनी में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है या आने वाले समय में सुधार होने वाला है, या जो छोटे स्टॉक्स होंगे उसमें ऑपरेटर भी कंपनी को कभी कभी ऊपर ले जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में चार्ट ऊपर तभी जाएगा जब कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो किस तरह के चार्ट वाले कंपनियों से जानेंगे कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए यहाँ पर आरती इंडस्ट्री देखिए कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, लगातार चार्ट अप ट्रेंड में रहा है, कभी आपको खास गिरावट दिखा है, बिल्कुल नहीं दिखा है, कभी भी चार्ट हमें डाउन ट्रेंड नहीं दिखा है, कभी कभी थोड़ा सा गिरावट आया, तो थोड़ा सा गिरावट हर स्टॉक में आता है जब वो स्टॉक काफ़ी मूव कर जाता है, तो इस तरह के चार्ट वाले स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। इसी तरह का चार्ट देखिए फिर बजाज फाइनेंस, देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है, सिर्फ ये जो गिरावट आया है यहाँ पर पैंडमिक के कारण आया, तो ये एक मौका था कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो इस तरह के शेयर प्राइस में आपको इन्वेस्ट करना है जिसका चार्ट लगातार अप ट्रेंड में हो, चाहे वो कोई भी छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, तो अप ट्रेंड वाले चार्ट में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से आपको काफी अच्छा यहां से रिटर्न मिलेगा। इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।